आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गरा ने भाजपा ज्वाइन कर लिए। उन्होंने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा को ज्वाइन किया है। आज मेरे दिल में बहुत उमंग है और खुशी है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक ऊर्जावान नेतृत्व आज राष्ट्र के मुख्यधारा के साथ जुड़ा है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमारा पथ जीवन में राजनीति का पथ नहीं लेकिन जनसेवा का पथ है। राजनीति में बहुत सारे करिश्माई लोग होते हैं, खास करके मध्य प्रदेश के विपक्ष में अपने आप को कहलवाने बहुत सारे कुशल राजनीतिज्ञ हैं। और ये कभी कभी मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी के बारे में भी कहा जाता था कि वे कुशल राजनीतिज्ञ नहीं हैं क्योंकि वे दिल से काम करते थे। और मैं तो ये कहूंगा कि आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें कुशल राजनीतिज्ञ की नहीं लेकिन सच्चे दिल के जनसेवक लोगों की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में करके दिखाया है इस देश के लिए वो शायद आजादी से 2014 तक संभव नहीं हो पाया। मां भारती का एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र ने मां भारती के सपनों को साकार किया और हम सबका एक केवल सौभाग्य नहीं लेकिन हम सबका दायित्व बनता है। केवल इस पार्टी में नहीं लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलना। उनका अपना एक बहुत लंबा इतिहास है। मैं जन्मजात जिस भी संस्था के साथ जुड़कर मेरी सदा भावना जन सेवा की रही है, लेकिन जब से रामलला के मंदिर का कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से कांग्रेस ने नेगेटिव वक्तव्य दिए मेरी आत्मा आहत हुई है और वही एक प्रमुख कारण है कि मैंने निर्णय लिया ऐसी पार्टी में रहकर मैं स्वयं एक हिंदू हूँ, हिंदुत्व में विश्वास रखता हूँ, सनातनी हूँ और जो राम भगवान को नहीं मानता या राम लला के लिए कोई सवाल उठाता है ऐसी पार्टी से मेरा कोई लेने देना नहीं। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सुमेर सिंह जी आ गए, सुमेर हमारे कड़ा दरबार आ गए तो बहुत अच्छी बात है ना। हमें तो और खुशी से और काम करेंगे हम। जगमोहन साहब, आज आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो कैसा लग रहा है आपको? आनंद हुआ है साहब। लेकिन क्यों कांग्रेस छोड़ी आपने, आप बताइए। परेशान हो गए थे क्या? परेशान हुआ है कांग्रेस। क्यों परेशान हो, क्या है, क्या कारण रहा? अकाल पर नहीं बता रहे, राम तो साक्षात भगवान है ना। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको
आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।